Hello everyone, my name is Manisha and welcome back to Physics Phantom. Guys, आप सब लोग ना मतलब आप में से 90% लोग जो है ना वो थंबनेल देखकर यहाँ पर आए होंगे, तो मैंने उसमें बहुत सारे फ़ोन्स के पिक लगा रखे हैं. सो आप में से कुछ ने सोचा भी होगा कि ये शायद मैंने व्यूज़ के लिए किया है. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आज की जो ये वीडियो है ये हमारे स्मार्टफोन के ही ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैंने थंबनेल में सिवाय फ़ोन्स के फ़ोटो के और कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि उनको किसी और वर्ड की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है. देख के समझ में आ जाता है कि ये क्या चीज़ है और इसका क्या यूज़ है हमारी आज की जो टेक्नोलॉजी वाली लाइफ है. So, आज की जो ये वीडियो है उसी से रिलेटेड है और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम में से 70% लोगों को पता होती हैं, बाकी 30% को नहीं पता होती. और अगर आप उस 30% में से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक भी करिएगा. जो हमारा आज का टाइम है ना, स्मार्टफोन और लैपटॉप कंप्यूटर, बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसे चलाने के लिए ना आपको कोई पर्टिकुलर किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर आप कोई बहुत ही हाई लेवल के रॉकेट साइंस एक्सपर्ट हो तो भी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ना आपको कुछ हाई लेवल पर मास्टरी की ज़रूरत होती है. मतलब एक छोटा सा बच्चा जो मतलब 2-3 साल का बच्चा होता है या उससे भी छोटे आज तो आज की डेट में चलाने लग गए फ़ोन, तो उससे लेके बड़े से बड़े ओल्ड एज में शायद जिन्होंने कभी कुछ और चीज़ करी नहीं होगी वो भी आज की डेट में स्मार्टफोन को बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं, बहुत इजीली उसमें चीज़ें चलाना सीख चुके हैं. ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, किस तरीके से होता है, जो हमारे फ़ोन की स्क्रीन है उस पर ऐसा क्या होता है कि हम टच करते हैं और एक सिंगल टच से सब कुछ चीज़ें खुल जाती हैं और हर चीज़ मतलब बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे लिए उसको चलाना. तो आज की जो वीडियो है इसी कुछ ये बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं के जो डाउट्स हैं वो दूर करने का मैंने ट्राई किया है. प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है. सो देखिए, जैसा आप बोर्ड पे देख सकते हैं यहाँ पे दो क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि जो हमारी फ़ोन की स्क्रीन पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, टाइमर आ जाता है, ठीक है, स्क्रॉल करते हैं तो वो चीज़ें ऊपर नीचे होने लग जाती हैं, एक टच से फोन जो फिंगरप्रिंट सेंसर होता है उससे फ़ोन ऑन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं. इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, क्या आपने हैव यू एवर ट्राई टू टैप और टच ऑन अ टच स्क्रीन डिवाइस विद अ ग्लव्ड फिंगर और हैंड्स, मतलब हाथों में ग्लव्स पहन के, या फिर पेन जो स्मार्टफोन को चलाने के लिए पेन आता है उसके अलावा अगर आपने कभी ट्राई किया हो तो क्या स्क्रीन में कुछ इफेक्ट आता है, क्या उसमें कुछ चेंजेस आ पाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हैं. सो अब इसकी जो वजह है, इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि हमारा जो फ़ोन होता है उसके अंदर एक सेंसर लगाया जाता है, एक प्रोग्राम्ड करा जाता है सेंसर को कि वो जैसे ही हमारी फिंगर उसके टच में आती है या फिर हमारा हाथ या बॉडी का कोई पार्ट उसके टच में आता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं. बट ऐसा क्यों होता है, क्यों जब हम ग्लव्स पहनते हैं तो उस टाइम पर ऐसा क्यों नहीं होता, हाथ तो तब भी जाता है ना वहाँ पर, तो क्यों नहीं होता. सो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो ह्यूमंस है ना वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल बींग्स होते हैं. इलेक्ट्रिकल बींग्स का मतलब ये हो गया कि हमारे अंदर चार्जेस होते हैं. सबसे पहली चीज़, चार्ज होता क्या है, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें किस टाइप का चार्ज होता है, क्या रोल प्ले करता है. सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ चार्ज होता क्या है. देखिए, जैसे चार्ज है, ये आपका चार्ज में सबसे पहली चीज़ जो आती है कि ये हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्टी इंटर्नशिप प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की. जैसे इंटर्नशिप प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है. इंटर्नशिप प्रॉपर्टी मतलब जो उसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है. एलिमेंट्री पार्टिकल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है. अब इसमें क्या है चार्ज, सबसे पहली चीज़ तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी इंटर्नशिप प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की, ये फर्स्ट पॉइंट है. इसके अलावा चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन पॉइंट्स को प्लीज़ आप नोट करिएगा क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जीके में आपको पता होना चाहिए, कई बार किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है. तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है. क्वांटिटीज़ जो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ दो टाइप में होती हैं, स्केलर भी होती हैं और वेक्टर क्वांटिटी भी होती है, ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट इसकी जो एसआई यूनिट है चार्ज की, एसआई यूनिट वो है कूलम्स. चार्ज की एसआई यूनिट कूलम्स होती है, इसको सी से डिनोट करते हैं. इसके अलावा ये स्केलर क्वांटिटी है और ये इंटर्नशिप प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की. एलिमेंट्री पार्टिकल्स पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो हमेशा क्वांटाइज होता है. क्वांटाइज का मतलब देखिए, यहाँ मैंने फॉर्मूला है Q = ME.
इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो क्या है, क्वांटाइज है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। अब इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की जो बेसिक जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन, इनका मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ये देखना है, इसके बारे में जानना है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये इलेक्ट्रिकल बीइंग्स है, तो इसका मतलब इनमें क्या होता है, चार्ज। अब चार्ज क्या होता है वो चीज आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चार्ज में जो होता है हमारे जो ह्यूमन बॉडी, उसमें नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चार्जेस हैं, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो होता क्या है, जब हम फोन की स्क्रीन को टच करते हैं तो उस टाइम पे जो फोन में हमारी बॉडी के लाइट चार्जेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे फिंगर टिप्स पे हैं, तो वो जो फोन की स्क्रीन पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो जो प्रोग्राम सेंसर होता है वो उसमें एक्टिवेट हो जाता है। उसके एक्टिवेट होने से जो बाकी की फोन की एक्टिविटीज होती है, जैसे स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर जाती है वीडियो, नीचे आना या फिर बैक करना स्क्रीन को, ये सारी चीजें अपने आप परफॉर्म होने लग जाती है सिंगल टच से, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे फिंगर टिप्स पे, अब ये रिपेल करते हैं चार्ज पार्टिकल्स को जो कि फोन स्क्रीन पे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये जो सेंसर है ये प्रोग्राम करना स्टार्ट कर देता है, आप चाहें तो इस वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चीज जो आती है वो ये कि जो ग्लव्स होते हैं या फिर पेन है या हमारे जो नेल्स हैं, उसके थ्रू क्या हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, क्या ये टच काम करता है, तो उस टाइम पे नहीं करता। आप इसे बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा और नहीं भी किया होगा, तो इस वीडियो के बाद आप डेफिनेटली ट्राई करके देखना कि अगर आप अपने नेल से स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं या फिर ग्लव्स फिंगर है, हाथों में ग्लव्स पहने हुए और उसके बाद आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वो टच काम नहीं करता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा यहाँ पे जैसे जो चार्ज का पॉइंट मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल बीइंग्स होते हैं इनमें चार्जेस होते हैं, ये आपको इसके अलावा और कहाँ पता चलता है, जैसे कि विंटर का टाइम है या फिर ड्राई वेदर होता है, तो उस टाइम पे जो आप सिंथेटिक शर्ट या स्वेटर कुछ उसको जब टेक ऑफ करते हैं तो एक हमें ना स्पार्क सा सुनाई देता है। उसके अलावा जब हेयर्स में कॉम्ब करते हैं तो भी एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी, इसके साथ साथ इसमें एक फ्रिक्शन जैसा वर्ड भी काम करता है, फ्रिक्शन हिंदी में जिसको घर्षण कहते हैं, तो ये भी वर्क करता है। तो इसके अलावा और फ्रिक्शन के एग्जांपल आपको बताना चाहिए, जैसे वॉकिंग, तो ये हमारी साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये चीज आप सबको पता है कि जो भी हमारी साइंस है, फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, तो डे टू डे लाइफ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर चीज साइंस से रिलेट करती है, बस हमें ऑब्जर्व करने की और नोटिस करने की देर होती है, तो चीजें हमें समझ में आने लगती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या क्या, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। इसके अलावा जो ये चार्ज है ये हमारे लिए और कैसे हेल्पफुल हो सकता है, जो हमारे नर्व सिस्टम से ब्रेन तक मैसेज जाते हैं या फिर कोई भी हमें एक्टिविटी करनी है, कुछ काम करना है, तो ये सारी चीजें भी हमें ये चार्जेस के थ्रू हेल्प मिलती है। उसके अलावा जो हमारी हार्ट बीट है, उस हार्ट है उसका जो बीटिंग होती है या हार्ट बीट है उसको रेगुलेट करना, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं जो हमारी ह्यूमन बॉडी में डेली होती हैं, बट हमें उसके पीछे का रीजन नहीं पता होता। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने बताने का ट्राई किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।